हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ आर स्टूडियो। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉग सेशन को हमें कैसे डिज़ाइन करना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम लोग कोई भी एक ब्लॉग सेशन डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हम लोग यहाँ तक सेक्शन बना चुके हैं पूरा का पूरा। हम लोगों ने अभी तक हेडर बना चुके हैं, हीरो सेक्शन बना चुके हैं, सर्विसेज, अबाउट अस और ये सारा हम सेक्शन बना चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमें बनाना है ये वाला सेक्शन, एक न्यूज़ का सेक्शन या फिर आप ब्लॉग भी बोल सकते हैं इसको जनरली। तो उसको कैसे हमें डिज़ाइन करना है, राइट। तो ये हमारा HTML है, यहाँ पे हम लोग कोड कर रहे थे। आई होप कि आप लोगों जितना भी हमने बताया अभी तक वो सब क्लियर हो गया होगा कि उसको कैसे हमें बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं, सीधा सेक्शन बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेक्शन, SECTION सेक्शन, ठीक। उसके बाद में हमें जो है यहाँ पे क्लास देनी है। क्लास हम लोगों ने दे दी ब्लॉक, इजी रहता है हम लोग के लिए उसको यूज करना, राइट। ब्लॉक हमने क्लास दे दी। उसके बाद में जैसा कि आप ये देख रहे हैं हर एक डिजाइन की तरह ये भी एक कंटेनर के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे कंटेनर ले लेंगे, डिव लगाते हैं, क्लास लेते हैं और देते हैं कंटेनर। जैसे मैंने कंटेनर दिया है यहाँ पे, उसके बाद में जो भी मैं कंटेंट डालूंगा वो सब मेरा जो है कंटेनर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हमें गैपिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्लास यूज़ कर लेते हैं। कॉपी करते हैं, CSS ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक किया मैंने, एडिट विद नोट पैड, चलते हैं नीचे, जो हमने क्लास दी थी वो क्लास दी। और उसके बाद हम लोगों ने दी पैडिंग, सेम जैसे हम लोग समय दे रहे हैं, पैडिंग 100 पिक्सल टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल दिया मैंने। यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो आप देखोगे तो स्पेसिंग आ गई टॉप बॉटम में और यहाँ पे मेरा कंटेंट आ गया, राइट। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे हेडिंग देनी है और उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग डालना है। तो चलते हैं यहाँ पे, देते हैं H2 टैग, H2 डाला मैंने। जो भी मेरा यहाँ पे हेडिंग है हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो अभी हेडिंग के लिए हम लोग एक जगह पे क्लासेस यूज कर रहे थे अपनी, वही क्लास हम लोग यहाँ पे सेम टू सेम यूज कर लेते हैं। कॉपी करते हैं उसको, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं हेडिंग। उसके बाद में यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे हैं कंटेंट मेरा लेफ्ट में आ रहा है, मुझे कंटेंट जो है वो सेंटर में चाहिए। तो सेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम एक क्लास देते हैं टेक्स्ट, सेंटर की क्लास बना लेते हैं ताकि जो भी हमारा टेक्स्ट है हम देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट जो हमारा सेंटर हो जाएगा, राइट। सो कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही मैंने सेंटर दिया है ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश किया, मेरा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ गया। उसके बाद में सेम ऐसे ही नीचे उसके पैराग्राफ है तो नीचे हम पी टैग डाल लेते हैं और उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे, सेव करते हैं, ब्राउज़र पे चल के रिफ्रेश करते हैं, राइट ये आ गया। सेम अगेन इसको सेंटर करना है तो यहाँ से क्लास कॉपी कर लेते हैं और सेम हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं सेम ही, ताकि हमारा जो ये वाला टेक्स्ट भी है वो सेंटर हो जाएगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। उसके बाद में जो ये कंटेंट है इसका हम लोग इसके लिए हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं तो सेम वही क्लास हम लोग डाल लेंगे ताकि जो फॉन्ट साइज है वो वेरी ना करे, एज इट इज़ वो सेम टू सेम रहे, राइट। तो DEC डिस्क्रिप्शन की हम लोग क्लास यूज़ कर रहे हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अगेन सेम फॉन्ट साइज हो गया। अब इसमें आप देख रहे हैं इसमें मार्जिन नीचे ज़्यादा आ रहा है, राइट, हमें मार्जिन कम करना है। तो मार्जिन कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हेडिंग में नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम जैसे यहाँ पे डायरेक्ट हेडिंग में अगर मैं देता हूँ यहाँ पे क्लास में हेडिंग, तो डायरेक्ट अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो मार्जिन बॉटम से 0 पिक्सल, जैसे मैंने 0 पिक्सल किया तो मेरा सब में वो जो है मार्जिन है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे सब में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यहीं पे मार्जिन हटाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम उसकी हम पेरेंट क्लास पकड़ लेंगे यानी कि ब्लॉक, तो उसकी पेरेंट क्लास पकड़ लेते हैं यानी कि ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर जो भी हमारा हेडिंग आ रहा है उसमें हमें क्या देना है, मार्जिन बॉटम से 0, मार्जिन बॉटम से 0। तो इसमें अब क्या होगा कि जो भी हमारा मार्जिन बॉटम आ रहा होगा सिर्फ ब्लॉक वाले सेक्शन में उसी में ही वो उसको 0 करेगा, बाकी किसी में भी वो मार्जिन को कम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में डिज़ाइन में 3 सेक्शन है, विच इज़ 1, 2 एंड 3, राइट, ये 3 सेक्शन है मेरे पास में। अब इन 3 सेक्शन को हमें बनाना है, तो जैसा हम लोग ऊपर बना रहे थे सेम ऐसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 सेक्शन के लिए पहले 1 सेक्शन को हम लोग बना लेंगे प्रॉपरली, देन उसको हम लोग रेप्लिकेट कर लेंगे। तो पहला 1 सेक्शन बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे डिव देते हैं, क्लास देते हैं,
आप चाहो तो सेम ऊपर वाली क्लासेस भी जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं ब्लॉक की, हम लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब ब्लॉक मैंने दे दिया है, टेब मैंने इसको बंद कर दिया, सेव किया है, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट डाल दिया, सेव किया, ब्राउज़र पर चल के रिफ्रेश किया, ये आ गया राइट। अब इसमें आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले मेरी एक इमेज आ रही है, उसके नीचे हेडिंग आ रही है, देन मेरे पास यहाँ पे डेट आ रही है राइट। तो सबसे पहले इमेज दे देते हैं। इमेज के लिए भी हम लोग डमी इमेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी इमेज जो है हम लोग आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, जो भी इमेज आप यूज़ करेंगे उस इमेज का जो साइज़ है वो इक्वल होना चाहिए तीनों इमेजेस का। अगर तीनों इमेज का साइज़ इक्वल नहीं होगा तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो सारा डिज़ाइन आपका हिल जाएगा। तो अभी के लिए मैंने एक डमी इमेज बना के रखी हुई, हम लोग इसी को यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डॉट जेपीजी, अगेन ऑल टैग कंपलसरी है, तो ऑल टैग लगाना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप कुछ भी लिखें वो मैटर नहीं करता फिलहाल के लिए, बस आपको ऑल टैग लगाना ज़रूरी है, उसको एज एन हैबिट में रखना है हमें हमेशा के लिए, ठीक है। तो इमेज आ गई मेरी। इमेज आने के बाद में हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, विच इज़ ये हेडिंग हमारा स्ट्रीम में जाएगा। स्ट्रीम में क्यों जाएगा? जब भी हम लोग कोई हेडिंग यूज़ करते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा, उसका एक स्ट्रक्चर चलता है हमेशा, जो कि हमारा सबसे मेन हेडिंग होती है वेबसाइट की, वो हमारी H1 में आती है, देन उससे छोटी हेडिंग H2 में आती है, देन उससे अंदर कोई हेडिंग आ रही है तो वो H3 में आती है राइट। तो ये हमारा छोटा हेडिंग है, तो उसको हम लोग H3 में लिख लेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पर H3 डाल लेते हैं, H3 डाल लेते हैं, और जो हमारा कॉन्टेंट है उसको कॉपी कर लेते हैं और उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में हम फोटोशॉप जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद में हेडिंग आ गई है, अब हमें डेट डालनी है। तो डेट डालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली एक डिव ले लेंगे, यहाँ पे डिव लेते हैं, क्लास लेते हैं, उसके अंदर एक क्लास डाल देते हैं डेट, ताकि हम इसको अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकें, और जो भी हमारी डेट है उसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग उसको एज एन पेस्ट कर लेंगे। सेव पेस्ट कर लिया, हम लोगों ने सेव किया, यहाँ पे चल के रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हो मेरा डेट भी आ गया है सेम टू सेम राइट। और सेम अब यही डिव है, अब हमें इसको रेप्लिकेट करना है ताकि जो है वो तीनों सेक्शन हमारे आ जाएं। तो एक डुप्लीकेट इसको कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरा सेम एज दिस सेक्शन आ गया राइट। उसके बाद में हमें क्लियर देना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि हमने यहाँ पे पैडिंग दिया था टॉप बॉटम से, तो अभी टॉप से आ रहा है, बॉटम से नहीं आ रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि हमने सब में फ्लोट चल रहा है, हमने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पर चल के उसको क्लियर कर देंगे। और जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे तो मेरा नीचे से ही पैडिंग आ गया राइट। तो अगर आप देखेंगे डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हमने जो है अपना ब्लॉक सेक्शन जो हमने आज कंप्लीट कर लिया है, इसी तरह से हमारा जो है ब्लॉक सेक्शन बनता है। कोई भी हमें तीन डिप वाला सेक्शन चाहिए, अगर आपको आइडिया नहीं कि तीन डिप कैसे आई, तो हम मैंने इस ट्यूटोरियल में जब हम लोगों ने इसको सेक्शन बनाया था तो हम लोगों ने उसको यूज़ किया था और एक्सप्लेन भी किया था मैंने कि उसको कैसे बनाना है, और उसी सेम ही क्लास को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर लिया ताकि हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़े और हमारा फाइल का साइज़ जो है वो कम हो। तो हम लोग जब भी कोई एचटीएमएल बनाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम कोड को यूज़ किया जाए ताकि फाइल का साइज़ उतना ही हमारा कम रहे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट लेसन में जो हम लोग बनाएंगे, इसके बाद में हमारा वेबसाइट ख़त्म होने वाला है, तो सिर्फ एक फुटर सेक्शन बचेगा। नेक्स्ट लेसन में हम लोग उसको बनाते हैं और हमारा एक होम पेज का वेबसाइट जो है वो इजीली क्लियर हो जाएगा कि बहुत ही बेसिक एचटीएमएल को यूज़ करके हमें कोई भी एक वेबसाइट को है वो कैसे बनाना है। बहुत इजी है, कोई भी बना सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसको बनाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जो मैंने आपको समझाया एक्सप्लेन किया वो इजीली समझ में आ गया हो, तो उसको मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी नए आपके दोस्त वगैरह हैं वो सब उसको देख सकें और कुछ ना कुछ नया इसमें एचटीएमएल में सीख सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।